और अब बात 2024 के रण की, यानी कि लोकसभा चुनाव के 2024 की जंग के लिए आज रणभेरी बचने वाली है, जिसके बाद सभी योद्धा चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। बस 4 घंटे के बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इसमें चुनाव आयोग ये बता देगी कि देश में कितने चरणों में चुनाव होंगे, किस राज्य में कब वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। जिन 4 राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने हैं, उनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जहां मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन साउथ पर हैं। वो आज तेलंगाना और कर्नाटक में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि 14 मार्च को ही 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई थी और 15 मार्च को दोनों ने कार्यभार संभाल लिया था। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होना है। आज की इंपोर्टेंस का कुछ भी सर आप दो आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी। 3 बजे से आपको पता ही है पहले से जी। तो वहीं बात करेंगे आपसे।